गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ चार बाग में दो स्पेशल वुलन मेले लगे हुए हैं, एक कश्मीरी वुलन मेला, दूसरा शिमला वुलन मेला। तो कौन सा मेला बेस्ट है और कहाँ से आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं कम रेट पे, तो दोनों जगह को कंपेयर करके मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको किधर से शॉपिंग करनी चाहिए और कहाँ आपको मिलेंगे बेस्ट कलेक्शन। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली शिल्पी। तो यहाँ पे जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, वुलन्स के कपड़े मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली कलेक्शंस क्या हैं एंड उनके प्राइजेज क्या हैं, ये सब चीज़ें तो मुझे अंदर जाके पता चलेंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ के कलेक्शन और उनकी प्राइजेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं शिमला वुलन मेला के कलेक्शन, जो कि चार बाग रविंद्रालय में लगा हुआ है। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं, जो फर्स्ट शॉप है वहाँ पे ये था, आई डोंट नो इसे एग्जैक्टली क्या कहा जाता है, ये कुछ 850 की रेंज से अवेलेबल था एंड बच्चों के लिए जो था वो 350 की रेंज में था। एंड बच्चों की जैकेट्स भी बहुत अच्छी थी, इसकी क्वालिटी जो थी कपड़ों की वो बहुत ही अच्छी थी। अगर आपको वुलन कैप वगैरह चाहिए तो वो 250 की रेंज से अवेलेबल थी। और उसके साथ ही मेंस जैकेट यहाँ पे बहुत ही अच्छी थी, जो कि 1000 रुपीज़ की रेंज से स्टार्ट थी एंड यू नो पूरे उस पर 10% का डिस्काउंट चल रहा था। तो अगर अभी तक आपको लग रहा है कि बहुत महंगे कपड़े हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स भी लगी हुई थी। तो ये 300 वाली सेल के कपड़े अभी आप देख रहे हो, देखिए इनमें से काफ़ी स्वेटर बहुत ही अच्छे थे। एंड 200 वाली जो सेल थी, इसमें भी अगर आप कुछ स्वेटर्स को देखेंगे तो वो आपको कुछ अच्छे मिल जाएंगे। एंड इनमें छोटे बच्चों के लिए जो कलेक्शंस थे 200 वाले में, वो बहुत अच्छे थे। अगर आपको छोटे बच्चों के कपड़े चाहिए तो आपको 200 में बहुत अच्छे स्वेटर एंड जैकेट वगैरह एंड स्वेट शर्ट वगैरह मिल जाएगी, तो आप इनको भी एक बार ज़रूर देख सकते हैं। तो ये देखिए कितने क्यूट कपड़े हैं, एकदम जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे कपड़े थे एंड बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में थे, जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। अगर आप शॉल वगैरह देख रहे हैं तो उसके कलेक्शंस भी यहाँ पे बहुत ही अलग थे एंड बहुत अच्छे थे। यू नो थोड़े से एक्सपेंसिव ज़रूर थे, बट बहुत ही अलग होते हैं यहाँ के कलेक्शन एंड ये काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ के लिए ये मेला जाना जाता है। तो यहाँ पे जो शॉल वगैरह के कलेक्शंस थे, इनकी रेंज जो स्टार्ट थी वो 200 से थी, जैसे कि अभी आप ये देख रहे हो ये 200 से है, बट बाकी बहुत एक्सपेंसिव भी थी, जैसे कि ये 2500 समथिंग की ये शॉल है, ये काफ़ी वॉर्म है, मतलब काफ़ी अच्छी शॉल लग रही थी ये अगर आप सामने से देखेंगे तो। तो अगर आप बजट में कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे 300 रुपये वाली शॉल्स भी थी, इसे भी आप चूज करके देख सकते हैं, इनमें भी काफ़ी अच्छे कलर्स और अलग अलग वेराइटीज थी। ऐसे वुलन हाफ ब्लाउज वगैरह अगर आप देख रहे हैं तो ये यहाँ पे 550 की रेंज से स्टार्टिंग थी इनकी। एंड साथ ही जो यहाँ पे स्वेटर के कलेक्शन थे, ओ माय गॉड इतने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। ये जो आप अभी देख रहे हो ये हैं कुछ 1100-1500 की रेंज में, बट इनका जो कपड़ा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मतलब मैं कैसे एग्जांपल दूँ आपको, इट्स वेरी सॉफ्ट। तो ये एक्सपेंसिव हैं, थोड़े से 1000+ की रेंज के हैं, बट इतने अच्छे और इतने सॉफ्ट फैब्रिक में हैं कि आप इसे लिए बिना रह नहीं पाएंगे। एंड ये जो सामने एक देख रहे हैं ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये कुछ 550 की रेंज में था। इसके अलावा 300 वाली, 200 वाली, 100 वाली, बहुत सारी जगह छोटी छोटी ऐसी सेल्स लगी हुई थी जिनमें कपड़े बहुत ढेरों में पड़े हुए थे, तो आपको उसमें से चूज करने पड़ेंगे। तो आप इन सब कपड़ों को अगर यहाँ पे लेना चाहते हैं, अच्छी वैरायटी के कपड़े कम रेंज में, तो यहाँ पे ज़रूर आइए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये वुलन वाले कुर्ती वगैरह भी बहुत अच्छी रेंज में मिल जाएगी।
और साथ ही आपको ये ब्लैंकेट वगैरह भी मिल जाएगी। जो डबल बेड की ब्लैंकेट थी उसकी स्टार्टिंग 1000 रुपीज़ से थी और जो सिंगल बेड वाली ब्लैंकेट थी उसकी स्टार्टिंग 600 रुपीज़ से थी। जल्दी करें, मौका हाथ से निकल ना जाए। कश्मीरी वूलन मेला, बाल संग्रहालय, चार बाग, लखनऊ। कश्मीरी वूलन मेला। शिमला वूलन मेला दिखाने के बाद अब मैं आ गई हूँ कश्मीरी वूलन मेला में। ये भी वहीं पे लगा हुआ है चार बाग में, जहाँ शिमला वूलन मेला लगा है उसके बिल्कुल पास में ही है बाल संग्रहालय, जैसा कि एड्रेस अभी आप लोगों ने सुन लिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी आपको एड्रेस, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी कलेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे एंड रेंज में थोड़ा बहुत फर्क था। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी तो यहाँ पे रेंज कम थे उन चीज़ों के, जैसे कुछ कंबल ब्लैंकेट वगैरह मैंने देखा जिसकी रेंज यहाँ पे थोड़ी कम थी कश्मीरी वूलन मेला में, शिमला वूलन मेला के कंपेरिजन में। एंड ये जो शॉल जो अभी आप देख रहे हो ना, इसको देख के तो मैं शॉक रह गई। ये यहाँ पे सिर्फ 1900 रुपये में मिल रही थी, जो कि मुझे वहाँ 2500 रुपये बताई थी, 2550 रुपये। आई वॉज लिटरली शॉक कि मैं किधर से शॉपिंग करूँ। तो आप भी भाई, आप उधर भी जाइए, इधर भी जाइए, दोनों तरफ देखिए आपको कहाँ पे चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। जैसे मैं हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं कह सकती कि मुझे शॉल सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी जो यहाँ पे थोड़ी सस्ती लगी थी, बाकी अगर स्वेटर को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट प्राइजेस सेम थे। अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए, सब चीज़ों को कंपेयर किया जाए, तो आप दोनों तरफ देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें आपको हो सकता है वहाँ पे अच्छे प्राइस में मिल जाए, कुछ चीज़ें यहाँ पे। तो आप आइए, दोनों जगह से विजिट कीजिए और अगर आप वुलन के कपड़े अच्छी क्वालिटी में बजट में शॉपिंग करना चाहते हैं तो आई थिंक ये प्लेस आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आई होप गाइज आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, बाय बाय गाइज, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।